कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये अपन ध्यान। और दूसरा अपन लिखेंगे इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, ये बात हम ध्यान। दूसरा इसमें 3 डिग्री में रेट ज्यादा होगा 2 डिग्री से, और 2 डिग्री में बहुत बहुत ज्यादा रेट होगा 1 डिग्री से। मतलब अगर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है तो हम SN1 जनरली प्रेफर नहीं करेंगे। इसकी बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री मैंने काफी कुछ आपको बता रखा है वैसे इनके बारे में, अल्काइल हैलाइड और इसके बारे में काफी कुछ मैंने आपको पहले से बता रखा है। अभी SN1 रिएक्शन की कुछ बात करेंगे तो विल से दैट जैसे मान लो हमारे पास एक ऐसे गिवन है CH3 और ऐसे अपन CL ले लेते हैं, और अगर अपन SN1 की बात करते हैं तो ऑब्वियसली बात है फिर तो अपन ऐसे बना सकते हैं कि हमारे पास कार्बोकैटायन बनेगा। तो इसमें हमें बस ये ध्यान रखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। कभी कभी मे बी पॉसिबल वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई ये भी है और ये भी है, ये दोनों ही है, एसेटोन भी लिखा हुआ, तब हम चेक करेंगे कि वाटर की पोलैरिटी बहुत 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 ज्यादा होता है एसेटोन से, तो रिएक्शन तो मैं SN1 ही करूंगा कार्बोकैटायन बना। दूसरा अगर हमारे पास ऐसे गिवन है कि भाई ठीक है हमारे पास ये गिवन है, नो डाउट ये मतलब 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, लेकिन अपन ने सीखा हुआ है अगर 1 डिग्री कार्बोकैटायन से डायरेक्टली 3 डिग्री कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो फिर अपन पोलर सॉल्वेंट में इसको SN1 रिएक्शन से ही करेगा, इसको अपन SN1 रिएक्शन से ही करेंगे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अपन SN1 करेंगे, एनी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है बट इसमें रीअरेंजमेंट होगा और SN1 में अपन को पता है रीअरेंजमेंट करना है, इसलिए प्रोडक्ट नहीं भी लिखूंगा तो भी चलेगा। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है तो फिर अपन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि भाई अगर इसमें एक्वस एसेटोन ऐसे गिवन होता है, एक्वस AgNO3, सो अगर मुझे एक्वस AgNO3 ऐसे गिवन है तो एक्वस में तो मैं OH वाटर का एडिशन कर लूंगा, दैट इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अगर AgNO3 है तो मैंने आपको बताया था कि ये तो AgCl का व्हाइट प्रॉपर्टी बनेगा, सो इट डजंट मैटर ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, मैं इसमें SN1 कर ही दूंगा, फिर मैं नहीं सोचूंगा इसमें SN1 कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट होगा जैसे फिर उसके बाद अपन लिख सकते हैं SN1 में। और अब SN1 रिएक्शंस जो होते हैं वो मतलब अदर अल्काइल हैलाइड के अलावा भी और पढ़ सकते हैं पर SN1 और SN1 अल्काइल हैलाइड के अलावा अल्कोहल्स में, तो अपन अल्कोहल्स में भी SN1 कर सकते हैं। तो एल्कोहल्स में भी अपन कंसेप्ट ही रहेंगे इन एल्कोहल्स, तो एल्कोहल्स में जैसे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लाइट्स होता है तो वो SN1 रिएक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन लाइट्स वो SN1 रिएक्शन होगा। और भी हो सकते हैं अपन बस इतना एक बिल्कुल पर्टिकुलरली कि भाई ये SN1 रिएक्शन ही फॉलो करेंगे तो अपन ने इनको एक पर्टिकुलर पॉइंट में लिख लिया, और भी मतलब अपन पॉइंट्स लिखेंगे नो डाउट। SN2 में अगर मैं एग्जांपल की बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है जैसे मैंने आपको कहा कि भाई CH3 CH2 Cl है, और अगर कोई जैसे एक्वस NaOH वगैरह है तो NaOH दे आर अ वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल, सो इट विल बी SN2 रिएक्शंस। वैसे भी अपन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में हमेशा प्रेफर करेंगे SN2 और 3 डिग्री में हमेशा प्रेफर करेंगे SN1। अब वो थोड़ा इफ और बट बनाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो अपन क्वेश्चन में चेक करेंगे, लेकिन इतना तो अपन को पता है कि इसमें करना क्या है। अगर मेरे पास ऐसे गिवन है, कोई भी अपने पास अल्काइल हैलाइड गिवन है
और उसमें अगर अपन कोई न्यूक्लियोफाइल ले लेते और उसमें एसेटोन या डीएमएसओ वगैरह ऐसे लिखा हुआ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो फिर हम बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हम उसमें SN2 रिएक्शन करना है कि नहीं करना। अब मे बी पॉसिबल कि भाई ऐसे भी हो सकता है कि भाई एल्कोहल्स के रिएक्शन भी होते हैं, और इसमें वी नो दैट कि अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था SN2 के मतलब कंडीशंस वगैरह सारा कुछ अपन ने पढ़ा और क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। यहाँ पर मैं कहूंगा भाई SN2 रिएक्शन के लिए और अपन बोल सकते हैं कि भाई मेन पार्ट तो यही होता है कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल विद ए प्रोटिक सॉल्वेंट, तो हमेशा SN2 होगा। उसके अलावा इसमें एल्कोहल्स में काफी सारे रिएक्शंस होते हैं, एल्कोहल्स में रिएक्शन होंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स में भी होंगे, और PCl5, PCl3, SOCl2, ये इस टाइप से रिएक्शन होंगे अपने पास। वो अपन चेक करेंगे कैसे। और फिर ईथर्स में भी होता है ये रिएक्शन। इधर फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है वो थोड़ा दिख नहीं रहा है। इन एडिशन ऑफ एल्कोहल से सो ईथर्स में भी SN2 रिएक्शन होगा, दैट इज एसिडिक और बेसिक कैटलाइज्ड रिएक्शन, बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, एसिड और बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। अगर नहीं दिख रहा है इसका मतलब कैमरा थोड़ा साफ करना पड़ेगा, एक मिनट रुकना है, मैं कैमरा साफ करता हूं। मुझे लगता है वो कैमरे में गड़बड़ था, कैमरा साफ नहीं होता ना, लैपटॉप को बार बार उठाते हैं तो कभी कैमरे में हाथ लगता है ना, या वहां से ऑन भी करना होता है तो भी कैमरे में हाथ लग गया। अभी साफ दिख रहा है मेरे ख्याल से, तुमने बताया तो मैंने भी चेक किया है ना, अभी साफ दिख रहा था, साफ नहीं दिख रहा था पहले, अब ठीक है, ठीक है। और उस तरफ थोड़ा रिफ्लेक्शन है, इस तरफ नहीं, क्योंकि इस तरफ के ट्यूब खराब हो गए, उनको चेंज करना पड़ेगा, ट्यूब भी खराब होने लगे अब तो वन ईयर में ना। चलो ठीक है, तो वी विल गेट दैट कि हाउ SN1 एंड SN2 जनरली मतलब कहां कैसे फॉलो करना है। सर हाँ बोलो। आप सर आपने हमें ये तो बता दिया जैसे अभी कार्बोकैटायन बन रहा है SN1 ये सब, लेकिन आपने हमें कुछ एग्जांपल्स कराए थे ना ORM2 में जिसमें वो कार्बोकैटायन नहीं बन रहा होता है क्योंकि वीक लीविंग ग्रुप होता है वो F फ्लोरीन वाला वो सब ऐसे, तो उसके ऐसे कुछ पॉइंट्स नहीं है क्या? मतलब सर वो आपने जो एग्जांपल्स कराया वही हम लोग अगर समझ ले और याद कर ले तो काफी है ऐसा कुछ, कि उसका कुछ ऐसा जनरल भी होता है कि वीक लीविंग ग्रुप मतलब हमने कुछ एग्जांपल कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट नहीं होती क्योंकि वो ट्रांजिशन स्टेट ही बनता है वैसा। नहीं ये सब तो तुमको पता ही था ना पहले, मतलब इसमें SN1 SN2 में ना। हाँ सर ये तो पता था, मतलब कब नहीं होता है उसके कुछ जनरल पॉइंट्स है क्या ऐसे? हाँ तो बताऊंगा ना, मतलब अपन वेट कर रहे हैं थोड़ा सा रुको, मतलब कैसे क्या करना है अपन को ऐसे बता देंगे ना, करेंगे ना, लास्ट टाइम तो मैंने काफी कुछ आपको बता ही दिया। हाँ बोलो। SN2 में लास्ट पॉइंट क्या लिखा था? ईथर्स में भी होता है। नहीं अभी यहाँ पे वही तो बोल रहा हूँ, ईथर्स एसिड एंड बेसिक कैटलाइज, ईथर्स acid and base catalyzed nucleophilic additions। तो अब जैसे अपन बात करेंगे ना, तो application की बात कर रहे हैं अपन SN1 SN2 की, तो पहले application देख लेते हैं भाई SN1। देखो SN1 reaction में we say that generally the solvent act as nucleophile, मतलब बाहर से अपन कोई nucleophile add नहीं करते, जो solvent होता है वही nucleophile जैसे act करता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि SN1 reaction में कि अगर मेरे पास ऐसे given है
और मैं इसको CH3 से रिएक्ट करूं, CH3 OH, तो सॉल्वेंट अपने पास है, उसी को न्यूक्लियोफाइलेशन करना होगा, तो फिर कार्बोकैटायन बनाएंगे और उसके बाद फिर रीअरेंजमेंट करेंगे और उसके बाद फिर प्रोडक्ट बनाएंगे CH3 OH। तो अपन कहेंगे भाई कुछ प्रोडक्ट इससे बन जाएगा, कुछ इससे बनेगा, तो मेजर प्रोडक्ट तो इससे ही बनेगा और थोड़ा सा प्रोडक्ट अपन इससे भी बता सकते, बट मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट में अपन उससे भी बना नहीं कर सकते, रीअरेंजमेंट से पहले भी प्रोडक्ट बनेगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। सो जनरली सॉल्वेंट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। सर लेकिन रिएक्शन तो होगा ही नहीं ना, कौन सा वाला, ये जो आपने ऊपर वाला लिखा वो तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि 1 डिग्री वाला है। हाँ तो वो SN1 से तो होगा ही नहीं ना, वो तो अभी बताया तो था थोड़ी देर पहले। हाँ वही मतलब, हाँ तो देखो ना इधर, मतलब SN1 में अभी बताया तो था, यही तो बताया था कि अगर 1 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटन डायरेक्टली बन रहा है तो SN1 बता दे। हाँ ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन साइमल्टेनियसली हो रहा होगा, अपन कहेंगे क्योंकि इसकी 3 डिग्री बन रहा है ना, तो जैसे जैसे इस पे कार्बोकेटन, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ना, जैसे जैसे ये लीव कर रहा होगा वैसे वैसे ये माइग्रेशन भी शुरू कर देगा। सर अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री भी बन रहा होता तभी भी हम लोग SN1 ही बोलते ना, नहीं बनाते कि उससे फिर SN1 बन रहा होता, तो बन रहा होता तो SN1 ही बताते अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा होता, लेकिन ये 1 डिग्री बनता नहीं है जनरली SN1, सिर्फ यही एक कंडीशन है जिसमें बनता है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही एग्जाम्पल लिया, बाकी अल्कोहल पे आ गया, ऐसे नहीं करना लेकिन। हाँ सर ठीक है ना, कि ऐसे है तो ये बना दिया, अब 2 डिग्री बना लेंगे SN1 बता देते, ये नहीं होगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि भाई 1 डिग्री से 3 डिग्री बनना चाहिए डायरेक्टली। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इन अल्कोहल्स, तो सर 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहे तो SN2 बताएंगे क्या? हाँ SN2 बताएंगे। अब अपन बताएंगे पहले 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाने के लिए, मतलब अल्कोहल कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से तो हो नहीं जाएगा है ना, तो उसमें हीट करेंगे, कुछ ऐसे कंडीशन डालेंगे, वरना हो गई नहीं कि अपन कहेंगे नहीं नहीं मैं तो ऐसे कर देता हूँ, बताओ इसमें 1 डिग्री होगा या टू, क्या क्या करें इसका, तो अपन कहेंगे भैया नो रिएक्शन, पानी का क्या कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, क्या कर ले। और अगर फिर भी अपन कहेंगे नहीं नहीं मुझे प्रोडक्ट तो बताना है, कि बताओ ये प्रोडक्ट बनेगा कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ये बनेगा कि ये बनेगा, बताओ इसमें, तो अपन कहेंगे अगर आप प्रोडक्ट बनवा ही रहे हो तो मैं ये वाला प्रोडक्ट बता दूंगा, ये नहीं बताऊंगा, आपने कोई टाइम लिमिटेशन नहीं दिया होगा मुझे, तो धीरे 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 ये पोलराइज होगा, ये पोलराइज होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से रिएक्शन करेगा, लेकिन कार्बोकैटायन नहीं बन सकता, इसलिए मैं रिएक्शन में 1 डिग्री ही बताऊंगा। मतलब SN2 शो करेगा, ऑब्वियसली वही तो लिखा था, SN2 ही लिखा था अपने पास ऐसे। इसको हाइड्रोजन लाइट से लिखते हैं, अब हाइड्रोजन लाइट में HCl भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HIBr भी हो सकता है, अगर हम इसमें HBr का एडिशन, तो जैसे अपन रिएक्शन करते हैं कार्बोकैटायन बनाओ, रीअरेंजमेंट करो और प्रोडक्ट बनाओ, ये प्रोडक्ट, तो अगर मैं ऐसे करूं तो भी अपन कहेंगे कार्बोकैटायन बनाओ और रीअरेंज करो और प्रोडक्ट बनाओ, और अगर मैंने ऐसे किया तो मैं कहूंगा कार्बोकैटायन नहीं बनाओ, क्योंकि ये 1 डिग्री और बाद में 2 डिग्री बनेगा, डायरेक्टली 3 डिग्री नहीं बन रहा, तो कार्बोकैटायन नहीं बनाओ और Br लिखो,
हाँ जी भाई बोलो कोई डाउट है। ठीक है ना, अब अपन क्या करेंगे इसमें लिखेंगे अपन, इसमें थोड़ा सा क्या होता है ना कि एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl इज रिलेटिवली लेस, रिलेटिव की बात कर रहे हैं तीनों में, लेस देन HBr एंड HA, सो उनसे थोड़ा सा कम होता है इसका एसिडिक स्ट्रेंथ। So, Lewis acid like ZnCl2, anhydrous ZnCl2 is required for reaction with HCl for reaction. अपन कहेंगे ये जो आप मिक्सचर बना रहे हो इसको मैं लीकास रिएजेंट बोलता हूं, इसको तो अपन लीकास रिएजेंट बोलते हैं, और टर्बिडिटी जो फॉर्म होता है उस टर्बिडिटी में, उस टर्बिडिटी के फॉर्मेशन को, जो टर्बिडिटी फॉर्म होता है उससे अपन डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल में डिस्टिंग्विश करते हैं, लीकास रिएजेंट से अपन डिस्टिंग्विश करते हैं, और अपन क्या बोलते हैं कि 1 डिग्री अल्कोहल में इट विल टेक आइदर हाफ एन आवर और हो सकता है रिएक्शन ही ना, बिकॉज कार्बोकेटन नहीं बनेगा ना 1 डिग्री, थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इन सब में अगर अपन देखेंगे तो Cl, Br और I तीनों ही वीक बेसिस है, स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर द कॉन्जुगेट, ये तीनों ही वीक बेसिस है, अगर वो वीक बेसिस हैं तो उनकी लिविंग एबिलिटी अच्छी हो, तो वो न्यूक्लियोफाइल जैसे अटैक, तो न्यूक्लियोफाइल जैसे बिहेव तो नहीं करते, लेकिन सिंस एच प्लस आयन अटैक करने से उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा आ रहा है तो वो आयनिक रिएक्शन जैसे रिएक्शन कर रहे हैं। तो अपन कहेंगे इस केस में जब हम ZnCl2 ऐड करेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल में, 1 डिग्री अल्कोहल में वो वीक बेस होने की वजह से अच्छे से अटैक तो नहीं करेंगे, तो इसका तो H प्लस आयन भी बहुत कम आएगा क्योंकि उनके कम पर रिलेटिव की बात कर रहे हैं अपन, ये वीक होने की वजह से रिएक्शन भी थोड़ा स्लो होता है, तो अपन क्या करते हैं जब HCl होता है ना तो अपन ऐसे मान लो मेरे पास ऐसे तो अपन क्या करेंगे इसको ZnCl2 और HCl से रिएक्ट करवाएंगे, पहले तो ZnCl2 से रिएक्ट करवाते हैं अपन, ZnCl2 इज अ लुईस एसिड तब तो वो ऐसे रिएक्ट करेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव चार्ज, अब H प्लस आयन अटैक करेगा, अब अपन HCl को ऐड करेंगे तो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन, तो होगा क्या ये H प्लस आयन वापस किस पे, इस पे एक और लोन पे ना, अब कभी ऑक्सीजन पे एक से ज्यादा लोन पेयर तो एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज तो आ नहीं सकता, ऑक्सीजन पे क्या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता, और एक पॉजिटिव चार्ज भी इसलिए होता है क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसलिए एक पॉजिटिव चार्ज आप लिख सकते हो, तो ये जैसे जैसे अटैक करेगा Zn वैसे वैसे लीव करेगा, लेकिन इसके अटैक करने से इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा, अगर उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो Cl नेगेटिव इस पर इजिली अटैक कर सकता है, तो जैसे जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, जैसे जैसे इसके पास H पॉजिटिव आ रहा है ना, जैसे जैसे इसके पास H पॉजिटिव आ रहा है वैसे वैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा, वीक हो रहा होगा, और ये बॉन्ड वीक होगा तो Cl अटैक करेगा, व्हाट आई गॉट CH3 CH2 CH2 Cl SN2। अब हम उनसे कभी हो सकता है पूछ लें कि बताओ ZnCl2 का रोल क्या होता है, कोई बताओ सीधा भी बता सकता था आपको H प्लस आयन अटैक करो, ये लिखा तो है H प्लस आयन अटैक करो और Cl नेगेटिव अटैक कर देना, सीधा बता देंगे, तो अगर अपन से पूछे भाई ZnCl2 का रोल क्या है वहां पर, तो ये रोल है कॉम्प्लेक्स बनाना,
ZnCl2 का रोल है कि उस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा जनरेट करना। अगर वहां पर पॉजिटिव चार्ज और ज्यादा जनरेट होगा पॉजिटिव चार्ज, तो वहां पर उसका लीविंग एबिलिटी, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो OH की लीविंग एबिलिटी और बढ़ेगी। तो OH की लीविंग एबिलिटी वहां पर बढ़ाने के लिए ही हम ZnCl2 को यूज कर रहे हैं। दैट इज द रोल ऑफ ZnCl2, राइट? तो ये अपन बता सकते हैं। तो कभी अपन से पूछ सकते हैं भाई ZnCl2 का रोल बताओ, तो अपन ने बता दिया कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ ZnCl2। सर अब हाँ बोलो, ये जो C वाला लिखा है रिएक्शन, वो उसमें भी तो उसमें SN2 किया है, बट B वाले में SN1 किया है, ऐसा क्यों मतलब? क्योंकि इसमें 1 डिग्री से 3 डिग्री बनता है ना, बोल तो रहा हूँ बार बार। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। तो ये अपन बता सकते हैं ऐसे कि भाई SN1 रिएक्शन कैसे अपन हाइड्रोजन एलाइंस में बता सकते हैं। अब ल्यूकास रिएजेंट में अपन को ऑलरेडी पता है ल्यूकास टेस्ट, ये तो ल्यूकास रिएजेंट होता है, एनहाइड्राइड ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। तो अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो ल्यूकास रिएजेंट के साथ दैट इज एनहाइड्राइड ZnCl2 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl, अब कॉन्सेंट्रेटेड तो होगा ही होगा, तो अपन क्या करेंगे इसमें अपन लिखते हैं दैट इज ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो इसमें टर्बिडिटी आता है, जो क्लोराइड का टर्बिडिटी बनता है, ये व्हाइट क्लाउडिनेस बनता है इसका, जैसे वो लाइम वाटर टर्न मिल्की और वो व्हाइट क्लाउड जो होता है उसको अपन टर्बिडिटी बोलते हैं। सो टर्बिडिटी जो होता है, टर्बिडिटी आफ्टर 30 मिनट्स, मतलब इट टेक लॉन्ग टाइम फॉर 1 डिग्री टू रिएक्ट। ये रिएक्शन भी इट विल टेक, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह बनेगा, इट विल टेक लॉन्ग टाइम टू रिएक्ट। 2 डिग्री अगर अल्कोहल होगा तो विल गेट द टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स, और अगर 3 डिग्री होगा तो विल गेट द टर्बिडिटी ऑफ इमीडिएटली। 3 डिग्री अल्कोहल है तो विल गेट द टर्बिडिटी इमीडिएटली, दैट इज हाउ वी कैन राइट द डिफरेंस। और वो ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट है फॉर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल लाइट। कार्बोकैटायन का जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना जल्दी टर्बिडिटी मिलेगा। तो अगर हमसे कंपैरिजन के लिए कहेंगे, कोई क्वेश्चन दिया तो बताओ किसमें ल्यूकास रिएजेंट फास्टेस्ट होगा, तो अपन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक कर लेंगे। दिस इज अबाउट SN1, है ना सर? बोलो सर, वो जो C वाला आपने लिखा हुआ है वहां पे आपने SN2 क्यों लिखा? मतलब SN1 हो सकता है ना, 2 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट हो सकता है ना कार्बोकैटायन, इधर SN1 लिख दे C वाला। कौन सा? सी वाला, सी नीचे लिखा है ना, HBr वाला। हाँ तो SN2 ही तो लिखा है इधर। SN1 होना चाहिए ना, मतलब पॉजिटिव चार्ज बनेगा 1 डिग्री, फिर वो शिफ्ट होता जाएगा ना 3 डिग्री बनने के लिए। तो 1 डिग्री पॉजिटिव चार्ज कब बना रहे हैं? HBr का एडिशन, HBr को हम लोग ऐड करेंगे तो फिर पॉजिटिव चार्ज बनेगा ना 1 डिग्री। तो बोल तो रहा हूँ 1 डिग्री नहीं बनेगा, 1 डिग्री तभी बनेगा जब 1 डिग्री से 3 डिग्री बन जाए। शिफ्ट नहीं, लेकिन शिफ्ट तो हो रहा है ना, मतलब 1 डिग्री से 2 डिग्री फिर 2 डिग्री से 3 डिग्री हो रहा है ना। हाँ तो 1 डिग्री से 2 डिग्री जब होगा ही नहीं, 1 डिग्री से 2 डिग्री नहीं होगा ना शिफ्ट। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री बनेगा नहीं तो शिफ्ट कैसे होगा, क्योंकि यहां पर तो मैंने बताया था ना ऐसे शिफ्ट होता है। वन डिग्री से अगर डायरेक्टली 3 डिग्री बनेगा तो ही कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। मतलब वो होगा ही नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है इसलिए मैंने बोला ना। हाँ तो ये कार्बोकैटायन नहीं बनेगा क्योंकि ये 1 डिग्री से 2 डिग्री बनेगा, फिर 2 डिग्री के बाद 3 डिग्री बनेगा, इसलिए नहीं बनेगा। 1 डिग्री से 2 डिग्री बनाने के लिए भी उतना ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं है जितना 1 डिग्री से 3 डिग्री में एक्सोथर्मिक है। सर बोलो, ल्यूकास रिएजेंट का कोई कलर होता है? लिखा तो टर्बिडिटी नहीं, मतलब वो उसका रिएक्ट करने के बाद तो वो
वैसा दिखता ना, रिएजेंट का कोई कलर होता है क्या मतलब? नहीं होता, नो कलरलेस। ठीक है, वो तो पूछना नहीं चाहिए अपन को। ZnCl2 है तो अपन को पता है, वो तो डायमैग्नेटिक है। सर लुकस टेस्ट में 1 डिग्री अल्कोहल का जितना भी रिएक्शन होता है, अगर पूछे तो हम SN2 से ही बताएंगे ना जो प्रोडक्ट बनता है। अगर पूछे कि कैसे बनता है तो हम SN2 ही बोलेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं। अब इसमें ना अपन से कभी कभी ये भी पूछते हैं कि जो हाइड्रोजन हैलाइड्स आप यूज कर रहे हो उनको फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, बिकॉज इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो NaCl को अपन प्रिपेयर करेंगे H2SO4 से लेकर, तो अपन को मिलेगा Na2SO4 प्लस HCl, ये बनेगा। NaCl को H2SO4 से रिएक्ट करूंगा, NaBr को भी H2SO4 से रिएक्ट कर लेते हैं, तो मिलेगा Na2SO4 प्लस ट्वाइस ऑफ HBr, और ट्वाइस ऑफ NaI प्लस H2SO4 रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा Na2SO4 प्लस HI। तो अपन से जनरली पूछ लेते हैं वो कि भाई देखो ये ना जो हाइड्रोजन लाइट्स हैं वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए ताकि उनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, तो कैसे बनाएंगे? तो अपन कहेंगे देखो इसमें H2SO4 इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड HI इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तब तो ये रिएक्ट करके क्या बना देंगे, I2 लिबरेट करेगा प्लस SO2 करेगा प्लस वाटर रहेगा, तो ये तो बनेगा तो इससे रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं दे सकता बिकॉज दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दिस इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो फिर मुझे ऐसा एसिड चाहिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे रिएक्ट ना करे, मुझे ऐसा एसिड चाहिए जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे रिएक्ट ना करे। सो NaI में मैं H3PO4 लूंगा और H3PO4 से रिएक्शन करके विल राइट दैट कि HI बनाऊंगा, ये होगा भाई, ये नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हमें HBr में भी यही कर लेना चाहिए क्योंकि HBr और HI कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, बट HCl doesn't act as a reducing agent except few with few molecules, उनमें H2SO4 नहीं है। So HI is a very strong reducing agent, HBr थोड़ा reducing agent होता है, maybe it can react with H2SO4, लेकिन HCl कभी reducing agent जैसे behave नहीं करेगा with H2SO4। So, इसमें अपन ध्यान रखेंगे कि इसमें और इसमें वी हैव टू यूज H3PO4 राइट, इसको भी मना कर लेता हूं भाई, ये भी नहीं होगा क्योंकि दे कैन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो ट्वाइस ऑफ NaBr बिल्कुल ऐसे लिख देना और क्या हो गया, बता दिया तो आप लोग समझ गए करना क्या है। Na3PO4 प्लस ट्राइस ऑफ HBr वी कैन राइट लाइक दिस, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये बिल्कुल पूछते हैं दूसरा फोन लिखते हैं भाई SN2 के एप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं है कि SN2 का ही एप्लीकेशन एग्जैक्टली वही बताना होगा अपन को, क्योंकि अब SN1 होता है तो SN2 भी पढ़ रहे थे अपने इसमें, तो वो तो रिलेटिव होगा कि भाई आप कौन सा डिग्री का एल्काइल हैलाइड यूज कर रहे हो और कैसे रिएक्शन कर रहे हैं, तो इसको भी देखते हैं। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ना, सो जनरली द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड, इन एप्रोटिक सॉल्वेंट्स जनरली अपन क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड इन द एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। तो पहले तो फिर कुछ एल्काइल हैलाइड के ही लिख लेते हैं, तो एग्जांपल भाई ये लो हमारे पास ऐसे और इसमें अपन एप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो अगर एप्रोटिक सॉल्वेंट है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तब तो 100% SN2 ही करने वाला हूं मैं, बस 3 डिग्री के बिना
क्योंकि वन डिग्री या टू डिग्री में तो मैं एसएन टू रिएक्शन ही करूंगा, वन डिग्री और टू डिग्री में तो मैं एसएन टू रिएक्शन ही करूंगा। तो फिर विल राइट दैट कि भाई इसमें सी एच थ्री सी एच ए सी एच थ्री और सी एन लिखेंगे बाय एसएन टू रिएक्शन, वो इन्वर्जन वगैरह लिख लेते हैं कि इन्वर्टेड प्रोडक्ट हो गया, आपको बनाओ आप तो उस हिसाब से बता देंगे फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर ये ऐसे आपने दे रखा है कि ये वेज फॉर्म में तो अपन ये डैश फॉर्म लिख देंगे, बिल्कुल लिखेंगे ऐसे एसएन टू रिएक्शन। अभी हाइड्रोजन लेड्स में तो हमने देख ही लिया वैसे एल्कोहल्स के साथ, तो इसमें एसएन टू रिएक्शन विल राइट लाइक दिस। अब एसएन टू रिएक्शन में अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन होता तो NaCN होता और अपन इसको एसेटोन लिखते और अपन कहते अब ये रिएक्शन बताओ क्या होगा, तो इसमें SN2 रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल, विल नॉट टेक प्लेस इन 3 डिग्री एल्केन, ये कभी नहीं होगा SN2। तो फिर SN2 तो नहीं होगा, जो भी मर्जी जो मर्जी चाहे आप करो। अब SN2 नहीं होगा तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि मैं इसमें या तो SN1 कर दूं, लेकिन इसमें SN1 के लिए तो मुझे इसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन चाहिए और ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो नहीं है, लेकिन पोलर सॉल्वेंट तो है। तो फिर अपन कहेंगे भाई इसमें आप इसका जो साइड प्रोडक्ट बनता हो वो आप देख लो, तो इसमें मुझे अगर लिखना है तो मैं इसमें E2 रिएक्शन, मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट लिखना है तो मैं इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन लिख दूंगा, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि जब भी SN2 होता है तो E2 साइड प्रोडक्ट होगा और जब E2 होता है तो SN2 साइड प्रोडक्ट होता है, बिल्कुल वैसे ही जब अपन SN1 करते हैं तो E1 साइड प्रोडक्ट लिख सकते हैं अपन, और जब E1 करते हैं तो SN1 साइड प्रोडक्ट लिख सकते हैं, ये साइड प्रोडक्ट होता है क्योंकि इन दोनों के मैकेनिज्म एक जैसे हैं, इन दोनों के मैकेनिज्म एक जैसे हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बाउंड्री लाइन का कि वो न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस है। अगर बेस है तो एलिमिनेशन हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल है तो सब्स्टिट्यूशन। इसलिए वो अपन एलिमिनेशन के बाद ही देखेंगे कि क्या करना है। अब अगर दूसरा रिएक्शन करना, हमारे पास ऐसे गिवन है, अगर अपने पास ऐसे गिवन है कि भाई कोई रिएक्शन अपन ने ऐसे ले लिया कि हमारे पास Cl है और यहां पर मेरे पास गिवन है सपोज CH3, तो इसको अगर मैं इस CH3 को यहां लिखता हूं ऐसे लिखते, तो अगर मैं इसको सपोज करते हैं कि भाई किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करवाया और मुझे एसीटोन गिवन था, Na पॉजिटिव और Na3 नेगेटिव, ये एसीटोन, तो क्या करें? तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट तो हो नहीं सकते, 2 डिग्री एल्केलाइड है तो करो, कार्बोकैटायन तो बनेगा ही नहीं, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि Cl को हटा के 3 डिग्री कार्बोकैटायन, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो SN2 रिएक्शन है, ये प्रोडक्ट मतलब कार्बोकैटायन नहीं बनाएंगे एसीटोन की वजह से। अब वाटर लिखो, अच्छा वाटर है मतलब ये भी कैटायन एनायन जैसे होंगे, अब एसीटोन का मतलब है कि कैटायनिक पार्ट तो सॉल्वेट हो गया, एनायनिक पार्ट सॉल्वेट नहीं हुआ, तो उसका तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होगा, तो SN2 रिएक्शन, वी कैन राइट लाइक दैट। अब अपन एल्कोहल्स की बात, सेकेंड वाले में हम लोग ने बोला कि SN2 नहीं हो सकता ना, तो फिर E2 ही बताएंगे ना, E2 ही मेजर मेरे ख्याल से वही बताया हुआ है मैंने तो कि भाई E2 बताएंगे पर रिएक्शन, E2 बताने के लिए वो जो हम लोग न्यूक्लियोफाइल जो यूज कर रहे हैं वो स्ट्रांग बेस जैसे एक्ट करना चाहिए ना, ऑब्वियसली वही तो कर रहे हैं, तो NaCN की जगह NaCN तो नहीं है ना, मतलब स्ट्रांग बेस,
हाँ तो अब बेस कनेक्टर तो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कनेक्टर तो बेस ना। हाँ ठीक है। अल्कोहल्स की बात है ना, मैं उसमें और क्या कर सकते हो आप, उसमें कुछ और कर ही नहीं सकते। या तो बोलो नो रिएक्शन, अब प्रोडक्ट दिया है तो क्या बताओगे, ई टू रिएक्शन बोला तो। अभी अपने लास्ट टाइम भी काफी कुछ सीखा था SN1 SN2 E1 E2 के बारे में, उसमें SN1 SN2 के बारे में, E1 E2 अभी अपने सीखा नहीं, इसलिए मैंने ज्यादा बात नहीं की उसमें, ठीक है ना। अब इसमें देख लेते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स में अपन कहेंगे, अब अपन बात कर रहे हैं भाई PCl5 PCl3 और SOCl2 के बारे में। तो अगर हम अल्कोहल को रिएक्ट करेंगे PCl5 के साथ तो अपन लिखेंगे RCl प्लस POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा। और अगर अपन PCl3 के साथ रिएक्शन लिखते हैं तो अपन लिखेंगे भाई RCl प्लस H3PO3 बनेगा, है ना, H3PO3 बनेगा। और अगर अपन ROH प्लस SOCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं तो विल गेट RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसमें ये तो गैस होगा लेकिन ये तो लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड होगा, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, इसमें ये लिक्विड है, ये गैस है और ये भी गैस है, मतलब इसमें मुझे प्योर RCl मिल जाएगा, मतलब इसमें मुझे कोई सेपरेशन नहीं करना पड़ेगा जैसे इसमें करना पड़ रहा था, इसमें ऐसा कोई सेपरेशन नहीं करना है। तो बेस्ट मेथड अपन इसी को देखें तो ये रिएक्शन कर सकते हैं। अब अगर मान लो अपन को ऐसे गिवन, मेरे पास गिवन है CH3 CH C2H5 और OH, इसको अगर मैं PCl5 से रिएक्ट करूंगा तो द प्रोडक्ट विल बी दिस, इधर H होगा, इधर C2H5 होगा, इधर CH3 होगा। और अगर मैं इसको SOCl2 से रिएक्ट करूंगा तो द प्रोडक्ट विल बी दिस, इधर CH3 होगा, इधर H होगा, इधर C2H5 होगा और इधर CH होगा। और अगर मैं इसको इससे रिएक्ट करूंगा, इसमें पर POCl3 लेंगे तो भी यही होगा, PCl3 लेंगे तब भी यही होगा। और SOCl2 के साथ अगर पेरिडीन ऐड करते हैं तो फिर इस केस में अपन लिखेंगे दैट इज अपने पास इसमें अपन लिखेंगे दैट इज इधर CL होगा और इधर CO होगा, इधर H होगा, इधर C2H5 होगा, इधर CH3 होगा, विल गेट द प्रोडक्ट। तो इसमें तो OH RHS में था, इधर CL LHS में आया, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट है इसका। और इन्वर्जन हुआ है मतलब SN2 तो लिखेंगे, इधर OH राइट हैंड साइड में था, इधर भी राइट हैंड साइड में है, मतलब रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इसमें राइट हैंड साइड पे था, इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे आया, मतलब इन्वर्टेड प्रोडक्ट है। तो ये भी SN2 बोलूंगा। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में जिस तरफ ये है उसी तरफ आया तो फिर मैं इसको SNI रिएक्शन बोलूंगा। अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है इसका मतलब है इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इनके अपने अपने मैकेनिज्म्स होंगे, PCl5 PCl3 SN2 रिएक्शन फॉलो करते हैं, SOCl2 SNI रिएक्शन फॉलो करेगा, लेकिन अगर उसमें पिरिडीन ऐड करेंगे तो SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा।
तो क्या किसी भी अल्कोहल के साथ ऐसा होगा? तो अपन कहेंगे किसी के साथ भी नहीं, कि किसी भी अल्कोहल के साथ, सिर्फ 1 degree and 2 degree अल्कोहल विल फॉलो दीज कंडीशन। अगर 3 degree अल्कोहल हुआ तो SN2 कैसे होगा? अगर 3 degree अल्कोहल होगा तो मैं SN1 ही बताऊंगा भाई, उसमें SN2 पॉसिबल नहीं। सो जनरली वो अपन से क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन अगर पूछेंगे भी तो ऐसे ही पूछेंगे भाई बताओ PCl5 3 डिग्री के साथ क्या करेगा, SN1 या SN2? तो ऑब्वियस ही बात है, अपन बताएंगे कि भाई PCl5 3 डिग्री में SN2 तो पॉसिबल ही नहीं, चाहे आप कुछ भी करो SN2 रिएक्शन नहीं। अब वो क्वेश्चन में काफी सारे इफ और बट बना सकते हैं भाई, जैसे हाँ बोलो सर, इसमें SO2Cl2 का भी बता दो ना। क्या SO2Cl2 बताया तो? इसमें क्वेश्चन आया था ये तो। हाँ? ये तो SOCl2 है ना, SO2Cl2 का, SO2Cl2 का कैसे रिएक्शन होगा 1 डिग्री अल्कोहल के साथ? नहीं होता ना SO2Cl2। SO2Cl2 में फ्री रेडिकल रिएक्शन 1 डिग्री अल्कोहल, SO2Cl2 जनरली जो अपन यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूराइल क्लोराइड, और सल्फ्यूराइल क्लोराइड को अपन यूज करते हैं जनरली फॉर द परऑक्साइड में यूज करते हैं फॉर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, सल्फ्यूराइल क्लोराइड। एंड प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड वही यूज होता है SO2Cl2, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन्स इन परऑक्साइड। तो अब जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई अपन ने ये सारे रिएक्शन तो लिखे हैं, लेकिन ये तो अपन डायरेक्टली रिएक्शन कर रहे हैं कि भाई किसके प्रेजेंस में क्या रिएक्शन है। अब इनमें कुछ एफ और बट्स भी हो सकते हैं, जैसे कैसे भाई इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन भी हो सकते हैं कभी कभी, तो बहुत कुछ हो सकता है, वो थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करोगे, शीट को सॉल्व करोगे, बुक्स को सॉल्व करोगे तो वहां से आएगा, जैसे तुम लोग बुक सॉल्व करते रहते हो देखता हूं, तो उससे अपन को पता चल जाता है। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर फास्टर देन इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये अपन को पता है बिकॉज ऑफ द एंट्रोपी इफेक्ट। तो इसमें PCl5 में मतलब कभी कभी अपन से साइड प्रोडक्ट पूछ लेते हैं कि इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, इसका साइड प्रोडक्ट क्या है, ये तो बनेगा। तो लाइक दैट वी कैन राइट द प्रोडक्ट फॉर दिस। अब इसमें ये मैकेनिज्म्स जो है मतलब SNI रिएक्शन, इसमें अपन ऐसे कर सकते हैं भाई PCl5 में तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं कि कोई अल्कोहल होगा, वो फास्फोरस पे 5 delta पॉजिटिव चार्ज है, वो रिएक्ट करेगा उससे, 5 delta पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली बात है ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा नेगेटिव, वैसे तो 5 delta पॉजिटिव चार्ज, इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा, तो विल गेट लाइक दिस, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और पी और 4 Cl बचे, जो Cl- माइनस यहां से लीव किया वो Cl नेगेटिव इसको हटा लेगा, तो विल गेट दैट। एक दो तीन चार बचे हुए, Cl अभी भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है और इसके पास 4 delta पॉजिटिव चार्ज है और फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल है, इसलिए वो प्रोडक्ट बना सकता है, वैसे कंजुगेशन शो कर सकता है। तो अपन बताएं कि भाई इसमें R बचा अपने पास, O डबल बॉन्ड P और 3 Cl हैं इसके पास और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जो Cl यहां से लीव करेगा वो Cl अब SN2 रिएक्शन शो करेगा, तो ये SN2 रिएक्शन शो करेगा तो ये लीव करेगा, तो RCl बना अपने पास इन्वर्टेड प्रोडक्ट और POCl3 बन गया, दैट इज ऑल द प्रोडक्ट। अब अगर Cl नेगेटिव होता और ये 3 degree alkyl halide होता तो ऑब्वियस ही बात है 3 degree alkyl halide होता
तो ये तो बैकसाइड अटैक नहीं कर पाता, लेकिन इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, अपने आप ही ब्रेक हो जाता है। इसलिए अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री होते तो ये फॉलो करते, और अगर 3 डिग्री होता तो 3 डिग्री अल्कोहल फॉलो द सिनवन रिएक्शन। अगर SOCl2 होता तो अपन उसको भी ऐसे कर लेते, भाई ये SOCl2 है, डबल बॉन्ड होता, Cl होता और Cl अटैक करवाते, पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता, तो पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये H होता, ये पॉजिटिव चार्ज होता, इस पे वो नेगेटिव आता, इस पे दो Cl, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर लो, एक Cl को हटा लो, Cl को हटाओगे तो वो Cl जैसे इसमें HCl निकाल के लेके गया तो हाइड्रोजन इससे भी निकालेगा, विल गेट लाइक दिस। ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन में इसके साथ, सो आई कैन गेट लाइक दिस, इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, बताओ सल्फर पे नेगेटिव चार्ज है और ये Cl, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा उस कार्बन पे जो ऑक्सीजन से अटैच है, अगर वो बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है अपन कहेंगे जब ये इधर आएगा तो फिर कॉन्जुगेशन होगा, लेकिन Cl का लीविंग एबिलिटी अच्छा है तो ये ऑब्वियस सी बात है इसके लोन पेयर इससे अट्रैक्ट तो हो ही रहे होंगे, तो जब ये यहां शिफ्ट होगा, ये यहां शिफ्ट होगा और ये यहां शिफ्ट होगा, तो ऐसे नहीं रिएक्शन जिस तरफ OH था, जिस तरफ OH था उसी तरफ Cl आया, इसलिए अपन ने रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा उसको, इसके कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आया, जिस तरफ OH था उसी तरफ Cl हटा दो, बट जैसे मैं बात कर रहा हूं कि भाई इसमें अगर अपन ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे ना तो द ट्रांजिशन स्टेट इज मतलब फोर मेंबर, तो अपन से कभी कभी वो क्या करेंगे ना ऐसे रिएक्शन करवा लेंगे, अच्छा बताओ इसमें क्या होगा, मेरे पास ऐसे क्या करना है, और कहेंगे SOCl2 से रिएक्शन करो, और ऐसे कर सकते हैं, ये काइरल सेंटर है यहाँ पर, तो काइरल सेंटर में रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कैसे बताएंगे, तो अपन कहेंगे पहले तो अपन बना लेते हैं कि भैया होना क्या है, देख भाई पहले तो होगा ऐसे, ये होगा डबल बॉन्ड और एक Cl बचा मेरे पास, फिर मैं बना लूंगा ऐसे, अब Cl को लीव करवाना है तो मैं इस Cl को अगर पॉसिबल है ना, क्योंकि या तो अपन कहेंगे या तो फोर मेंबर ट्रिंग बनेगा, लेकिन ये फाइव मेंबर ट्रिंग होगा, एक CH2 और था बीच में, मुझे एक CH2 भी लिखना था, मतलब ये तो अपने पास अल्कोहल था, तो अपन को मतलब वो अल्कोहल का ओ भी लिखना था उसमें, एक सी एच मतलब कम लिखा था मैंने, क्योंकि वो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनने चाहिए, इधर अपने पास ऐसे है, अब मैं बना लेता हूँ ऐसे, है ना, एक सी एच टू, फिर एक सी एच है और एक सी एच थ्री है और अब एक सल्फर है, अब एक अपन ऐसे बना सकते हैं, ये देखो ये बन गया अपने पास, मैंने डायरेक्टली ये बना लिया, अब तो पता है कैसे बनाया, तो ये तो अपन को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज है इधर, मतलब इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन तो बना सकता हूं, लेकिन अगर यहां डबल बॉन्ड है, मैंने जैसे आपसे कहा कि भाई अपन ने तो जनरल रिएक्शन देख लिए, लेकिन अगर कुछ इफ और बट है तो उस टाइप के क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस से ही आएंगे, प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, इस टाइप से भी पूछ सकते हैं, तो इसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा वो तो ऐसे बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, अब प्रोडक्ट क्या बना अपने पास, तो सी एच टू सी एल सी एच डबल बॉन्ड सी और एच एंड सी एच थ्री, अब इधर आ गया, क्या प्रोडक्ट बनाया, मतलब जो स्टार वाला कार्बन था
उधर तो डबल बॉन्ड आ गया, तो सीएल ऐड कहां हुआ, इस पे ऐड हुआ। तो सीएल ऐड कहां हुआ, इस पे ऐड हुआ। तो विल राइट लेट अस कि भाई ऐसे रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वाले क्वेश्चन अपन को ध्यान रखने पड़ेंगे। फिर जैसे अपन से और भी ऐसे बोल सकते हैं वो कि मान लो मेरे पास ऐसे है सर, मैकेनिज्म मत रखिएगा। नहीं, मैकेनिज्म रब नहीं करने वाला। अब ना जैसे मैकेनिज्म कर रहा हूँ, तो जब एक बार वो अच्छे क्वेश्चन होते हैं ना शुरू, तो दिमाग में फिर बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। तो पहले नहीं तो वो थोड़ा लगता है कि यार पहले तो उनको यही बताओ कि कैसे रिएक्शन करना है और क्या नहीं करना है। अब सर इसमें एक चीज पूछनी थी सर, आपने हमें कहा था कि SN2 SP SP2 कार्बन पे तभी होता है जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। SN2 SP2 कार्बन पे जब होता है सर, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन पे SN2 टाइप रिएक्शन तभी होगा जब स्ट्रॉन्ग विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड हो। आपने हमको CH2 डबल बॉन्ड CH2 अटैच्ड टू NO2 का एग्जांपल दिया। ऐसे हाँ, आपने बोला था इसमें SN2 हो सकता है। कौन सा SN2 हो सकता है इसमें? मतलब न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट मोस्ट कार्बन पे अटैक करेगा, वो पॉसिबल है। तो वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी हुआ, वो तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ। सर एडिशन में तो हम साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं ना, इसमें किसका सब्स्टिट्यूशन करोगे, हटाओगे किसको? ये तो बताओ कि हटाओगे किसको, सब्स्टिट्यूशन तो कर दे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो यही हुआ ना कि फुटबॉल, मतलब मैं फुटबॉल मैच चल रहा है, एक प्लेयर बाहर आया तो दूसरा अंदर गया, तो सब्स्टिट्यूशन किया अपन ने, कोई अपन ऐड थोड़ी कर सकते। चलो भैया, सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि एक प्लेयर को अंदर, एनओटी को तो हटा सकते ना, कैसे हटाएगा? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। हां तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है तो अपने आप हटा देंगे अपन उसे, ऐसा कब बता दिया? नहीं मतलब सर विनाइलिक में तो आपने मना किया ना सर। हाँ, मतलब ऐसे कंपाउंड में तो आपने लिखाया भी है ना कि दिस मॉलिक्यूल डजंट शो SN2 रिएक्शन। हाँ, लेकिन और अपन ने ऐसे कहा कि भाई ऐसे मॉलिक्यूल में जब ऐसा है तो ये SN2 रिएक्शन नहीं शो करता, ये तो अपन ने लिखा भी हुआ है, लास्ट क्लास में बताया है मैंने। हाँ सर क्लियर हो गया, मैं कंफ्यूज हुआ। अब तुम जो बोल रहे ना वो मैं बता रहा हूँ, डबल बॉन्ड वो है इधर, तो अपन ने ना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किया, इसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो पॉसिबल है क्योंकि इधर जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो बहुत ज्यादा स्टेबल है। ऊपर थे ना 1,4 एडिशन एंड 1,3 एडिशन, हाँ वो यही तो है, 1,4 1,2 एडिशन। बस यहां पर अपन क्या ले लेते हैं, सी, और यहां क्या कर देते हैं, एच। हाँ तो कॉन्जुगेशन की वजह से ही तो 1,4 बताते हो, ये 1,2 बताओगे? समझ में है ना, तो मैं भी बताऊंगा। तो मैंने इसमें इसलिए मैं मतलब वो हो गया कि यार ये कब बता दिया मैंने कहा कि इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो सब्स्टिट्यूशन किसको करूं मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही, हटाऊंगा किसको। अब तुम्हें समझ में आ गया कि भाई क्या करना है, तो जो दिमाग में आए वो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि उसी से ही अपना मतलब कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा मुझे पता है ये नहीं करना है मुझे। अच्छा देख फिर क्या कर सकते हैं अपन, जैसे मेरे पास ऐसे कितने और मुझे ऐसे कितने, और इस पे मैंने आपसे कहा कि मैं इसको ना NaCN और एसेटोन से रिएक्ट करूंगा। अब बताओ, तो अपन कहेंगे अब तो आपने बीआर को हटाना मुझे सिखा दिया, कैसे 3 डिग्री में बीआर हट सकता है अगर इसके जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप है और वो कार्बन किसी विनाइलिक ग्रुप से अटैच्ड है, तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, मैं बीआर को यहां से हटाऊंगा ही, मैं तो यहां से हटाऊंगा, अब तो हटेगा, और एल्कीन भी ज्यादा स्टेबल।
अब तो अटैक है ना, तो अपन कहेंगे अब तो हम सी एन को यहाँ अटैक करेंगे क्योंकि इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ऑब्वियस सी बात है थ्री डिग्री था ये, तो थ्री डिग्री में यहाँ तो अटैक कर नहीं सकता था वो, आपने तो थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर ये भी सी एच थ्री होता तो मैं एल्कीन प्रोडक्ट बताता, लेकिन मैंने आपसे कहा था कि देखो भाई अगर उस मॉलिक्यूल के अंदर और भी चीजें हो तो फिर ध्यान रखना चीजों का, और वो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करने से, क्वेश्चन सॉल्व करने से अपन को आएगा कि कैसे करना होता है। तो इसमें अपन को ये पता चल रहा है कि भाई देखो इसमें यहाँ तो न्यूक्लियोफिलिक हो नहीं सकता एस एन टू रिएक्शन, लेकिन मैं वहां से तो कर सकता हूँ ना एस एन टू इस पर अटैक करके, क्योंकि यहाँ पर मैं डबल बॉन्ड ये कॉन्जुगेशन में ना, अगर मैं बी आर हटाऊंगा तो ये कॉन्जुगेशन में बन रहा है ना, कॉन्जुगेशन बन रहा है ना, तो अपन कहेंगे सी एन अटैक किया, ये सी एच टू आया, यहाँ सी एच डबल बॉन्ड और ये सी और सी एच थ्री एंड सी एच थ्री, ये तो बना सकता। बिल्कुल सर, ऐसे टाइप के अटैक का कुछ अलग नाम है कि बस हम सब्स्टिट्यूशन ही बोलते हैं? अपन हाँ सर, अपने नाम बता दे इसको। नहीं, अब नाम क्या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, पता क्या होता है, जैसे अपन SN1 रिएक्शन करता है तो वो कहते हैं SN1 रिएक्शन तब होता है जब कार्बोकैटायन बने और आप न्यूक्लियोफाइल को ऐड कर दो, लेकिन अगर कार्बोकैटायन बने और रीअरेंजमेंट होने के बाद न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा तो वो कहते हैं वो SN1 डैश रिएक्शन। ठीक है, अब तो ये रिएक्शन क्या है, मतलब ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अभी, मतलब फिर किसको? इसमें पहले तो हम लोगों ने NaCN को, मतलब ये समझा नहीं मेरे को, एसीटोन है, पोलर एप्रोटिक है ना वो तो, हाँ, और 3 डिग्री वो भी कार्बोकैटायन भी, तुमने किया क्या है इसमें, मुझे अच्छे समझ नहीं आया, ये तो खत्म हो गया। हाँ, एसीटोन की वजह से अब मेरे पास CN है स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल, बताओ क्या करें? सर BR को लीव करके वही ना, मैं वही समझ नहीं आ कि पहले BR लीव किया और फिर वो कार्बोकैटायन बनने की वजह से, नहीं BR लीव कर ही नहीं सकता वहां से SN2 की वजह से, BR कैसे लीव करेगा, देयर इज नो पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट। हां सर, तो वही पूछ रहा था। तो जब यहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा ना, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन जैसे है ना, तो BR तो लीव कर सकता है लेकिन पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट नहीं है इसलिए ये लीव नहीं करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए थे वो ऑर्बिटल ऐसे हो गए होंगे, थोड़े बेंड हो गए होंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इस वजह से। तो अगर ये ऑर्बिटल इसकी वजह ऐसे जो ऐसे होते हैं ऑर्बिटल, वो कैसे हो गए होंगे, थोड़े बेंड हो गए, बेंड क्यों हो गए वो ऑर्बिटल, द रीजन इज क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा था, अगर बेंड होंगे तो इसको भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ सर, ठीक है, समझ गए। और अगर इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अपन कहेंगे सीएन इधर भी अटैक कर सकता है, तो CN इधर भी अटैक कर सकता है लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक एंट्रल, इसलिए वहां अटैक करेगा। अच्छा, ठीक है, मतलब कैटायन तो बना ही सामने, मतलब वो कैटायन तो बन ही नहीं सकता था ना, क्योंकि देयर इज नो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है सर, बोलो सर। मैं बोल रहा था कि सामने अटैक इसलिए नहीं करेगा ना CN नेगेटिव डायरेक्टली और BR को निकाल देंगे, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस है ना। बिल्कुल सर, बोलो। वो मैकेनिज्म में डाउट था इसका, SOCl2 के साथ वाला, उसमें हमने ऑक्सीजन के लोन पे सर्फर पे अटैक किया और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, और उसका एच कहाँ गया था फिर, जो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आया था ना, ये स्टेबलाइज होगा ना तो ये लीव करेगा। हाँ बोलो। अच्छा, ठीक है सर।
अब अपन ईथर की बात। ईथर में पहले अपन कुछ रिएक्शंस करते हैं और उसके बाद फिर अपन चेक करेंगे अपन को क्या करना है। पहले कुछ रिएक्शंस की बात करते हैं अपन। फिर अपन उसमें कंसेप्ट कैसे करेंगे करना क्या है, क्योंकि पहले कंसेप्ट लिखेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। तो मैं एडिशन ऑफ एचआई कर रहा हूं और एचबीआर को अपन हीट करके ऐड कर सकते हैं इधर से। ये अपन को क्यों अपन क्या करेंगे इधर से, अगर मेरे पास ऐसे करने और एचआई का एडिशन करना है तो अपन को पता है भाई एचआई के एडिशन में पहले तो ये बनेगा एच प्लस एन अटैक करेगा लोन पेयर पे और अपन ये मिलेगा। दोनों तरफ वन डिग्री कार्बोकैटायन पॉसिबल है जो कि बनेगा, इसलिए मैं इसमें एसएन2 रिएक्शन करूंगा। तो एसएन2 रिएक्शन तो स्टेरिक इफेक्ट पे डिपेंड करता है, तो इस पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो आई नेगेटिव को अटैक करवा दो, उसको इसको बना दो एलिगेट ये प्रोडक्ट है मेरे पास। रिएक्शन एसएन2 अगर मेरे पास ऐसे है तो अपन कहेंगे अब अगर एच आई से रिएक्ट करोगे आप तो एच प्लस आइन अटैक करेगा, आप वी नो दैट कि भाई ऐसे बना देंगे तो ये एच प्लस आइन। अभी भी इसमें एसएन टू रिएक्शन ही होगा तो अपन कहेंगे एसएन टू क्यों, आपने कहा था वन डिग्री नहीं बनेगा कार्बोकैटायन तो टू डिग्री बन रहा है, हाँ तो बना दो लो ये बना और आयोडाइड भी बना। आई इज अ गुड लिविंग रूम न्यूक्लियोफाइल हटा तो एसएन वन रिएक्शन जैसे जैसे अपने पढ़ा हुआ एसएन वन रिएक्शन उस टाइप से रिएक्शन हो जाएगा तो अपन रिएक्शन कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपन कहेंगे फिर तो अपन लिखेंगे इसमें ना अपन आई नेगेटिव से रिएक्शन करवाएंगे एसएन2 रिएक्शन, अभी भी अपन एसएन2 ही करेंगे। तो इस पर अटैक करेगा विल गेट द अल्कोहल एंड वी गेट लाइक दिस। अब वैसे तो अपन को प्रोडक्ट बताना चाहिए कि भाई इसको भी मैं कन्वर्ट कर दूंगा किसमें आयोडाइड में, लेकिन अगर अपन से कहा जाए कि एच आई का एडिशन बताओ तो वो अपन से ये पूछ रहा है एक का अल्कोहल बनना है दूसरे का आयोडाइड बनना है बस। लेकिन अगर अपन से थोड़ा भी एक्सेस लिखा हुआ है, ये अगर लिखा है एक्सेस है तो इसको फिर रिएक्ट कर देंगे। अपन ने सबसे पहले यही तो पढ़ा था कि अल्कोहल को एच आई और एच बी आर से रिएक्ट करो तो एस एन टू रिएक्शन से, ये वन डिग्री है ये टू डिग्री है तो एस एन वन से कर देंगे, वन डिग्री है तो एस एन टू से कर देंगे। तो अपन ने अल्कोहल का रिएक्शन ही तो पढ़ा था एच आई के एडिशन के लिए। लेकिन अगर ईथर और एच आई लिखा है इसका मतलब वो ये पूछ रहा है कि बताओ किस तरफ अल्कोहल बनाऊंगा और किस तरफ आयोडाइड बनाऊंगा। अगर एक्सेस लिखा होता तो अपन अल्कोहल को खत्म करके इसको भी आयोडाइड में लिख देते हैं तो फिर ये मतलब ही नहीं होता पूछने। अगर मेरे पास जैसे कि सर बोलो सर इसमें HCl क्यों नहीं है एडिशन ईथर में, अब पहले पढ़ लें ये उसके बाद देख लें। हाँ, तो वो पूछने के लिए तो पूरा मतलब पढ़ा हुआ है ना अभी तो बहुत सारा, साइड में पेंसिल से लिख लो कि HCl व्हाई नॉट HCl और छोड़ दो अभी, मतलब पहले तो अपन ये देख लेते हैं जो सर पढ़ा रहे हैं उसके बाद अपन देख लेंगे क्या है, है ना बताऊंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। बस पहले अपन इस पे फोकस करें ना कि मतलब जो अपना मेन पार्ट है कि भाई अब आप बता क्या रहे। अब अपन कहेंगे देख भाई H प्लस आइन को अटैक करो तो मेरे पास ये बनेगा H प्लस आइन हो गया पॉजिटिव चार्ज हो गया सी एच टू हो गया और सी एच थ्री हो गया। अब क्या तो अब अपन कहेंगे कि भाई इसमें तो थ्री डिग्री कार्बोकैटायन बन सकता है और इसको तो बहुत कम एनर्जी चाहिए बनने के लिए, उससे ज्यादा तो इसको चाहिए था और इसको ज्यादा इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है वन डिग्री कार्बोकैटायन बनने के लिए, इसलिए नहीं बनता है।
लेकिन इसमें तो कम एनर्जी चाहिए, तो अपन फिर इसमें 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाते। तो मेरे पास 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा और CH3CH2OH बनेगा, ये बताइए। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसका मतलब है कि अगर कार्बोकैटायन बना के रिएक्शन करोगे तो मैं उसको SN1 कहूंगा, ये तो फिर SN1 रिएक्शन हुआ। अब इसका आयोडाइड बनाऊंगा, उसका अल्कोहल बनाऊंगा, तो फिर इसमें आयोडाइड बना देंगे, वो अपन को पता है। ये तो आप एडिशन ऑफ HI में मुझसे ये बोल रहे हो कि ऑलवेज SN2 रिएक्शन, एक्सेप्ट इफ R और R डैश इज, अगर हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं अपन को ये, तो फिर अपन SN1 की बात करेंगे। R डैश कैन फॉर्म 3 डिग्री और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन्स, हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन देन SN1 रिएक्शन, तब अपन उसमें SN1 रिएक्शन कर सकते हैं, नहीं तो हमेशा अपन SN2 रिएक्शन के बारे में ही सोचेंगे। और कभी कभी अगर अपन से ये या तो एक्सेस में लिखा होगा या फिर कॉन्सेंट्रेटेड लिखा होगा, तब भी अपन उसमें 2 बार बता सकते हैं, लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो अनसिमेट्रिकल में अपन से प्रोडक्ट अच्छा तभी होगा जब आप एक बार एडिशन पूछो तो मैं बताऊं कि भाई किसका अल्कोहल बनेगा और किसका हाइड्रेट बनेगा, इसलिए प्रोडक्ट ऐसे पूछे। HBr इज अ बीकर, सेकंड वाला वापस बताइए। सेकंड वाले में 2 डिग्री कार्बोकैटायन भी ज्यादा इजीली नहीं बनता जितना इजीली वो SN2 रिएक्शन दे देगा। तो अपन ने लिखा ना यहां पर कि भाई यहां पर इन दोनों में से छोटा कौन होगा, ये होगा CH3, तो ठीक है उसी पे SN2 होगा जिस पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है। ठीक है सर, तो जिस पे स्टेरिक एंट्रेंस कम है, और फिर अपन ने लिख भी लिया कि भाई SN2 हमेशा ही देखना है अपन को, लेकिन अगर R और R डैश अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बना सकते हैं जैसे 3 डिग्री है बेंजाइलिक है, या हाईली स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है जिसमें ऑक्टेट वगैरह कंप्लीशन हो सकते हैं, तो अपन वहां पर सोच सकते हैं कि वहां SN1 रिएक्शन हो सकता है। तो ठीक है, विल राइट लाइक दिस। अगर मान लो अपन को ऐसे मैं अपने पास गिवन है CH3, ऐसे गिवन है, HI का एडिशन, तो क्या प्रोडक्ट होगा और अपने पास ये कैसे गिवन है। तो क्या प्रोडक्ट होगा फिर अपन ऐसे भी देख सकते, और फिर HI का एडिशन कर लेते हैं। इनके प्रोडक्ट तो लिख सकते हो, लिखना शुरू करो, मैं थोड़ा और कोई क्वेश्चन सोचता हूँ। थर्ड वाले में दोनों साइड OCH3 दे दिया है। हाँ,
अब ये वाला बॉन्ड तो अपन कभी ब्रेक करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो पार्शियल डबल बॉन्ड है। तो आप जो मर्जी करो, आप मैं यहां अटैक करूंगा और इस पर हाइड्रेट बनाऊंगा, मतलब मैं CH3 आई बनाऊंगा प्लस के नाम। इसमें भी वही रीजन था, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो नहीं सकता, तो फिर यही ब्रेक हो सकता है तो फिनॉल बनेगा, बाकी दूसरा प्रोडक्ट अपने आप बना। इसका तो इधर तो एडिशन हो नहीं सकता, क्योंकि ना तो ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है और ना ही ये बॉन्ड ब्रेक हो सकता है। ये बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता तो इसको CH3I बनाऊंगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो नहीं सकता तो उसको भी CH3I बनाऊंगा। तो मेरे पास 2 मोल CH3I है और बाकी अपन ऐसे बता देंगे। इधर वॉच और इधर वॉच बता देंगे, ये प्रोडक्ट पार्शियल डबल बॉन्ड है इसलिए ब्रेक होगा नहीं, ये वाला भी ब्रेक नहीं हो सकता। इसमें बस एक ही जगह इधर एडिशन हो सकता है, ये तो ब्रेक हो नहीं सकता इसलिए मैं इसमें आई लिख दूंगा, स्पेशल लिख दूंगा। एक्सेस दिया था ना उसमें तो, हाँ तो लिखो ना एक्सेस कहाँ पर, और कुछ भी है कहाँ पर, क्या करूँ बताओ। तो आपने बोला था एक्सेस में वो अल्कोहल से भी रिएक्ट करेगा ना फिनॉल, हाँ तो मैंने कहा ना अल्कोहल में, कहाँ लिखा था एक्सेस में, तो कहाँ अल्कोहल है, अल्कोहल है कहाँ, थर्ड वाले में एक्सेस लिखा है ना, अच्छा है कि, हाँ तो अल्कोहल है कहाँ, वही तो पूछ रहा हूँ, बनाया हुआ है ना, ये अल्कोहल है फिनॉल है, फिनॉल है हाँ। तो भैया बोल तो रहा हूँ कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा, इसका मतलब है कि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक नहीं होगा, अगर OH2 लिखेगा भी तो ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ सर, एक्सेस लिखने के बाद, इसलिए भाई यहाँ इस टाइप से थोड़ी गलती करोगे तुम लोग, इसमें मतलब जो पहले बताए मैंने, अब गलती नहीं करोगे वहां पर, जो ये सेंटेंस लिखा ना, इस सेंटेंस में सब कुछ है, उसमें गलती कहां करोगे, अब वो देख लेते हैं, जहां गलती करोगे तो मैंने वो दे दिए तुमको, तो अब गलती नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब बेंजीन रिंग से कोई भी ऐसा आइटम हटा दे जिसके पास लोन पेयर है तो उस बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, एसिड कैटलाइज रिएक्शन से उस बॉन्ड को नहीं तोड़ना है, बिल्कुल वही बता रहा हूं मैं तुम्हें। ये तो टूट नहीं सकता, ये तो टूट नहीं सकता, यही टूट सकता है तो तोड़ देते हैं, तो बना देते हैं भाई प्रोडक्ट, बन गया अपने पास प्रोडक्ट, एक CH3I बन गया, एक HO और फिर अपना जो ऐसे है और CH2I बन गया और एक और फिनॉल बना दिया, लो भाई अपने पास प्रोडक्ट। सर मतलब इसमें SN2 SN1 दोनों ही होंगे, किसमें, हाँ मतलब इधर SN2 हो रहे हैं, इधर SN1 हो रहे हैं, कार्बोकैटायन बन के, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें तो अपन ने SN2 किया, इसमें SN1 किया, इसमें SN2 किया और इसमें दोनों ही हो रहा है, इधर SN1 हो जाए और इधर SN2 हो जाए, ये लो भाई हो। अब इधर की बात करते हैं, समझ में आया सबको, अब इधर की बात कर लेते हैं भाई। हाँ सर, ठीक है, एक सेकंड मैं इसको हटा दूं ना, ये वाला तो हटा सकते हैं, ये तो इजी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर लिख लेता हूँ,
कॉन्सेंट्रेटेड एच आई रेट किया था। तो जो मर्जी चाहो अपन लिखो, एच प्लस एन अटैक करेगा, बनाऊंगा तो यही ऑफर ही, क्योंकि कार्बोकैटायन बने। एच प्लस एन अटैक करेगा, विल गेट दैट। इसमें कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था कि एक्सेस लिखा था? कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था। अच्छा, एक्सेस में फिर पूछूंगा क्यों, अलग अलग रिएक्शन। उसमें एक्सेस वाला तो बड़ा अच्छा होता है, इनके अलावा बाकी तो एक्सेस वाला अच्छा ही होता है। अच्छा, वो भी अलग, चलो एच आई बना दो। उसमें प्रोडक्ट में पूछने के लिए कुछ क्या रहा, कुछ भी नहीं। अब इसमें देखते हैं, इसमें बन जाएंगे। देख भाई, एच आई एनएसटोन एच प्लस आइन तो ये खा गया, कोई कटाइन को तो खाता है ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो एच प्लस आइन तो है नहीं मेरे पास, आई नेगेटिव है, जो मर्जी चाहे कर लो। तो अपन क्या करें, यही कर सकते हैं। अब उधर तो कर नहीं सकते, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, अब पोलर है तो डिसोसिएट तो करना ही होगा, लेकिन अब एप्रोटिक है तो प्रोटॉन को कैटाइन को तो वो सॉल्वेट कर देगा, और वो भी सॉल्वेंट है, मतलब इससे तो बहुत ज्यादा होगा उसका वहां पर अमाउंट। तो अपने पास आई नेगेटिव है भाई, आई नेगेटिव से देख लो क्या रिएक्शन कर सकते हैं। अब न्यूक्लियो पहले तो एसएन2 ही कर सकता, तो मेरे पास ये बनेगा, बाकी दूसरा अपने आप लिख लेंगे अपन। ये बना अपने पास, देखो सॉल्वेंट का भी ध्यान रखना है, ईथर में सॉल्वेंट भी अपन को गड़बड़ कर सकते हैं, तो सॉल्वेंट का भी ध्यान रखेंगे। मेंस में तो अपन को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछेंगे, मतलब कभी कुछ ऐसे धीरे धीरे ना छोटे छोटे क्वेश्चन अपन से पूछेंगे। तो फिर तो थोड़ा सॉल्वेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपन बात करते हैं इपॉक्सिड, हाँ वो HCl वाला क्यों नहीं हो सकता, HCl का वीक एसिडिक स्ट्रेंथ, इट इज वीकर एसिड ना, सो उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा नहीं आएगा। मतलब अगर मेरे पास ऐसे ईथर है और मैंने इससे HCl ऐड किया, तो इसमें ना ये तो बन जाएगा, ये तो बनेगा। अब क्या होगा, तो ये वीकर एसिड है तो इसमें डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा जनरेट नहीं होता, तो फिर ये ऐसे बनकर रुक जाएगा, तो रिएक्शन तो होगा नहीं लेकिन एडिशन हो जाएगा, ऐसे रुक जाएगा ये। और इसको अपन कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, ये बन के रख जाए। सेम फॉर H2SO4, अगर मैं इसमें H2SO4 ऐड करूंगा इट विल फॉर्म ऑक्सोनियम आयन, एडिशन नहीं होगा, इट विल फॉर्म द ऑक्सोनियम, ये बन जाएगा, ये बनेगा। तो HCl वीकर एसिड है इसलिए उसमें उतना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट नहीं कर पाएगा जिससे कि वो रिएक्शन हो जाए, इसलिए अपन उसको ऑक्सोनियम आयन नया अपन नाम दे सकते हैं। सो अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं भाई, साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर में अपन को इपॉक्साइड के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ना है जिसमें एडिशन एडिशन ना हो, और इपॉक्साइड में अपन को पता है दे आर लाइक दिस, अब इपॉक्साइड ना दो टाइप्स का रिएक्शन देता है, एक तो एसिड कैटलाइज रिएक्शन और दूसरा बेस कैटलाइज रिएक्शन।
ठीक है ना। अब एसिड कैटलाइज रिएक्शन में क्या होगा कि भाई ये एपॉक्साइड है, अनसिमेट्रिकल है। अब एसिड कैटलाइज में जैसे HBr है, बट पहले तो ये तो वैसे भी एपॉक्साइड जो था वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ईथर से, मोर रिएक्टिव देन ईथर। रीजन इसमें एंगल स्ट्रेंथ भी है ना, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। इसलिए अगर HBr का रिएक्शन मुझे कभी इस पे करना पड़ा और उधर कहीं ईथर साइड भी है तो मैं इस पे ही करूंगा, क्योंकि इस पे रिएक्टिविटी ज्यादा है ड्यू टू एंगल स्ट्रेंथ। अब एसिड कैटलाइज, अब ये जो ईथर है ऐसे अपन को पता है इसमें ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, इन दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव, तो न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लो। और अगर एसिड और आ गया तो अपन कहेंगे भाई फिर एसिड, अगर आपने ऐसे लिखा तो एसिड कैटलाइज्ड में तो ऐसे बनाऊंगा पहले, फिर तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होंगे। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आया तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होंगे, एंड द रिएक्शन विल बी लाइक आयनिक रिएक्शन। तो इन दोनों में से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा किस में होंगे? डेल्टा पॉजिटिव डैश पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो फिर एडिशन अकॉर्डिंग टू पोलर इफेक्ट्स, इस पे अटैक करेगा ये बॉन्ड शिफ्ट होगा तो पोलर इफेक्ट के हिसाब से रिएक्शन करेगा। ये लो भाई, इसमें पोलर इफेक्ट्स। तो जनरली होता क्या है कि भाई अगर आपको इन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है तो वीक भी ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो जाएगा, इधर पॉजिटिव चार्ज होगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकते हैं। तो एसिड कैटलाइज जनरली यूज्ड फॉर वीक न्यूक्लियोफाइल। अपन जनरली क्यों लिखे, तो ऐसे लिखेंगे अपन वीक न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड कर सकते हैं एसिड कैटलाइज में, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल को भी ऐड कर सकते हैं। अब एक बार अपन उसको भी देख लेते हैं बेस कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज्ड का मतलब ये नहीं होता कि अपन को NaOH ही ऐड लेना है, मतलब ऐसे कुछ नहीं होता। बेस कैटलाइज्ड का मतलब होता है कि भैया यहां पर कोई एसिड तो अटैक करने वाला नहीं है लेकिन यहां डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस जरूर है इसकी वजह से, क्योंकि ड्रैग इफेक्ट की वजह से। तो यहां पर किसी पॉजिटिव चार्ज ने, ऐसे यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज ने इनको बढ़ाया नहीं है, जो है उन्हीं से रिएक्शन कर लो। तो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा? अगर जो है उसी से रिएक्शन करना है तो भाई फिर तो वो वहां अटैक करेगा जहां इजीली अटैक कर सकते हैं। तो इसमें स्टेरिक इफेक्ट डोमिनेट्स, मतलब स्टेरिक इफेक्ट के हिसाब से हमको बताना है। इसमें पोलर इफेक्ट डोमिनेट्स, यहां पर मुझे वैसे बताना था जहां पोलर इफेक्ट ज्यादा थे, मतलब जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता था लेकिन बनेगा नहीं क्योंकि लोन पे रहे इसके पास, तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, जो प्रोडक्ट बना अपने पास वो ऐसे बन गया, इधर ओ नेगेटिव है, इधर CH2 है और इधर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया, ये प्रोडक्ट बनेगा। अपन कहेंगे ना तो फुल फ्लेज कार्बोकैटायन इसमें बनाया आपने और ना ही इसमें बनाया, मतलब रिएक्शन तो दोनों ही केस में SN2 था। बस अगर वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं या वीक न्यूक्लियोफाइल एसिड कैटलाइज होते हैं तो ये रिएक्शन, और बेस कैटलाइज होंगे तो ये रिएक्शन। सो व्हेन स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल आर यूज्ड तो बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन होता है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को बोलते हैं पर बेस कैटलाइज्ड। तो इनको बोलते हैं बेसेस, जैसे उनको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, कि न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा उसको अपन कहते हैं बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। तो फिर वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब जो, हाँ बोलो सर, दोनों में सॉल्वेंट से कोई फर्क मैकेनिज्म भी फॉलो होगा ना, पड़ेगा ना HCl, ये HCl HBr HI इस टाइप से होंगे तो पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होंगे, और उधर ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए,
तो वाटर तो सॉल्वेंट नहीं, एप्रोटिक सॉल्वेंट बिल्कुल। तो अपन कहेंगे भाई इधर ना, जब अपन को ऐसे एडिशन करना है, वीक न्यूक्लियोफाइल अपन उनको कहते हैं जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे रिएक्ट करते हैं, दे आर वीक न्यूक्लियोफाइल। इनका एडिशन एसिड के प्रेजेंस में ही होगा, अब मोस्टली अगर देखा जाए तो ये अपने आप में खुद ही एसिड है, ये अपने आप में खुद ही एसिड है, तो यहां तो बताने की भी जरूरत नहीं कि मतलब मैंने एसिड कैटलाइज रिएक्शन किया। इधर अपन ऐसे लिखेंगे, ऑल आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मतलब आप ये बोल रहे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो सोडियम या पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होते हैं वो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, बिल्कुल यही बोल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो एडिशन अकॉर्डिंग टू स्टेरिक इफेक्ट्स, और वीक न्यूक्लियोफाइल है तो एडिशन अकॉर्डिंग टू पोलर इफेक्ट्स। या आपने एसिड यूज कर रखा है तो एडिशन अकॉर्डिंग टू पोलर इफेक्ट्स, क्योंकि एसिड कैटलाइज रिएक्शन है, इट मींस हमको इसमें हाइड्रोजन हैलाइड्स भी अपन लिख लेंगे, क्योंकि अगर एसिड कैटलाइज है तो अपन को लिखना ही लिखना है फिर तो। एसिड कैटलाइज रिएक्शन है H2SHX, मतलब फिर तो बताने की जरूरत थोड़ी है कि मतलब वो एसिड कैटलाइज रिएक्शन, एटलीस्ट एसिड कैटलाइज होगा तो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आयनिक जैसे रिएक्शन होगा, तो आयनिक जैसे रिएक्शन होगा होगा SN2, चाहे एसिड कैटलाइज लिखो या बेस कैटलाइज लिखो, दोनों में अच्छा कौन है, एसिड कैटलाइज। रीजन, ये रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा बिकॉज वो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है, सो नंबर ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी ज्यादा एड कर सकते हैं इसमें एसिड कैटलाइज, वीक भी होंगे स्ट्रॉन्ग तो हो ही जाएंगे, अपने आप हो जाएंगे, लेकिन इसमें वीक भी होंगे एसिड कैटलाइज, सो इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कि इसमें राइट ना एसिड कैटलाइज रिएक्शन है या बेस कैटलाइज रिएक्शन है, रिएक्शन तो दोनों में SN2 ही है, जब तक अपन इस बॉन्ड इस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को ब्रेक नहीं करते। ब्रेक कैसे होगा, हीट करते हैं, थ्री मेंबर रिंग, लेकिन अभी अपन सिर्फ फोकस करते हैं कि भाई अपन रूम टेम्परेचर, क्योंकि जनरली अपन से वो हीटिंग वीटिंग की बात नहीं करते हैं, तो अपन कहेंगे भाई दोनों ही केस में SN2 रिएक्शन है, एसिड कैटलाइज्ड में भी SN2 है, बेस कैटलाइज्ड में भी SN2 है, बेस कैटलाइज्ड मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लेकिन दोनों में बस हमें ध्यान रखना है कि पोलर इफेक्ट्स कब और स्टेरिक इफेक्ट्स कब डोमिनेट क्या करेगा वो अपन को चेक करके रखना, दैट इज योर एप्लीकेशन पार्ट ऑफ SN1 SN2 रिएक्शंस। ये हो गया, आप SN1 SN2 का शीट भी पूरा सॉल्व कर सकते हो, AR SN2 रिएक्शन बचा हुआ है थोड़ा, वो अपन नेक्स्ट टाइम कर सकते, ठीक है। सर ये पूछना था कि जो SNI हमारे सिलेबस में उसका रिएजेंट खाली SO2Cl2 के साथ ही है, खाली SOCl2 के साथ, मतलब मतलब हमने SNI रिएक्शन जो पढ़ा इंट्रामोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन, हाँ, खाली SO2 SOCl2 के साथ।